हेलो दोस्तों, गुड्डू गुरिल्ला यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है, घर मकदम है। दोस्तों, आज से करीब 8-10 महीना पहले मैं फिर एक वादा किया था, जो झारखंड के रांची ज़िला के सुगरहुट्टू पहाड़ में जो ढकनी पानी इसको बोलते हैं, जो पहाड़ से पानी निकलता है, उसके बारे में मैं फिर से आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अगले बार के वीडियो में मैं आया था तो उस समय पानी ख़त्म हो चुका था, पानी नहीं आ रहा था, सूख चुका था। तो मैं आप लोगों से वादा किया था कि अगले बार ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगा जिस समय पानी होगा उस समय। तो दोस्तों देखिए, हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, देखिए, और आपको देख रहा होगा, देखिए ये पानी आ रहा है, पहाड़ से निकल रहा है। दोस्तों ये कुदरत का करिश्मा है, जहाँ चाहे वहाँ पानी निकाल देता है, और अगर नहीं चाहे तो मिट्टी में भी पानी नहीं निकलता है। दोस्तों तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं, देखिए यही है ढकनी पानी, जो अगली बार आप लोग को हम आए थे तो हम लोग को पता नहीं चला था। देखिए कितना पानी है दोस्तों, देख सकते हैं ये, और चारों ओर देखिए सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है। हम ऊपर भी आप लोग को दिखाएंगे, देखिए देख सकते हैं पहाड़ है, और ये देखिए ये पानी है, इसी को ढकनी पानी बोला जाता है। देखिए बहुत सारा पानी, और ये पूरा पहाड़ है, और ये देखिए ये अंदर जो थोड़ा गड्ढा नुमा है, यहीं से पानी रिसता है और यहीं पर जमा होता है। ये पानी को आप पी भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साफ पानी है, स्वच्छ पानी है। दोस्तों मैं आप लोग से वादा किया था कि मैं आप लोग को दिख रहा हूँगा, देखिए यहीं से पानी देख सकते हैं, देखिए देखिए पानी उतर रहा है, देखिए जितना भी पानी आप बहाइएगा उतना और इसमें पानी आता है। देखिए देखिए दूर पानी भर जाएगा, देखिए देखिए। अब यहाँ इस पहाड़ में पानी किस कारण से रिसता है इसके तो बारे में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है, चलिए आपको ऊपर बताएंगे चढ़ के। चलिए ऊपर की ओर चढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो पानी का स्रोत है उधर देखिए नीचे, और मैं ऊपर की ओर चढ़ रहा हूँ कुछ बात बताने के लिए, कहा ये ऐसा हो सकता है, बाकी बात तो ये ऊपर वाला का करिश्मा है। देखिए चलिए आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को बताएंगे। देखिए दोस्तों, हम चल ही रहे हैं, बहुत बड़ा विशाल पहाड़ है, और जब ऊपर चढ़ेंगे तो कुछ मैदान नुमा टाइप का है। तो देखिए दिखला रहे, देखिए आप लोगों को दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसा है, ये पहाड़ ही कुछ कटोरा नुमा है, और कटोरा नुमा होने के कारण से हमको लगता है पहाड़ के नीचे जो है कुछ तालाब टाइप का बन गया होगा, और पानी जमा होता होगा, और वही पानी रिस रहा है, क्योंकि ये पहाड़ जो है कटोरा नुमा है, पानी कहीं ना कहीं जमा होता है और वही पानी फिर रिसता है। ये मेरा अनुमान है, लेकिन ये कुदरत का करिश्मा है, हो सकता है पहाड़ से डायरेक्ट भी निकाल सकता है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, जो ढकनी पानी है उस ओर। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार देखेंगे हम लोग ढकनी पानी को, बहुत ज़ोरदार प्यास लग रहा है, लेकिन हम अभी रोज़ा चल रहा है, रोज़ा में है, सिर्फ कूला करेंगे, देख सकते हैं कूला करेंगे, बहुत दूर से चल के आए हैं, प्यास भी लग रहा है।
ये बराबर देखिए, देखिए बहुत ज़्यादा पानी है, देखिए चलिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप लोग देखते रहिए गुड्डू गोरिल्ला और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।